जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। होम छों याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा 19 जून 2023 से भैरव जी की साधना कराई जा रही है। हम एक प्रशिक्षक हैं, हम एक अध्यापक हैं, हम एक टीचर हैं। हमारा धर्म केवल पढ़ाना है, पढ़ना या नहीं पढ़ना यह बच्चे पर निर्भर करता है, शिष्य पर निर्भर करता है, छात्र पर निर्भर करता है। बच्चे की काबिलियत क्या है उस पर निर्भर करता है कि वह जो हम पढ़ाएंगे उसको वो ग्रास्पिंग पावर से अपने आप के अंदर उतार पाएगा या नहीं उतार पाएगा। तो जो भी व्यक्ति भैरव जी की साधना करना चाहता हो, भैरव जी को प्रेम करता हो, भैरव जी को समर्पण किया हुआ हो, भैरव जी के मंदिर में सेवा करता हो या भैरव जी की सिद्धि चाहता हो, भूत प्रेत भगाना चाहता हो, उसके लिए भैरव जी की साधना करना होती है। तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा हिंदू सनातन धर्म के लिए भैरव जी की साधना कैसे की जाए, इसके लिए कुछ आधार स्तंभ खड़े कर किए जा रहे हैं। यानी जो भी मनुष्य इस भैरव जी की साधना करने में शामिल होगा उसको आगे भी साधना के लिए बुलाया जाएगा और इसमें आगे भी जो साधना में शामिल होंगे उनमें किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम ऐसे आधार स्तंभ खड़े करना चाहते हैं जो आगे चल करके अन्य मनुष्यों को भी वहां से ऊर्जा प्रदान कर सके। हम तो ऊर्जा देना ही चाहते हैं, चाहे वो भैरव जी से संबंधित हो या काली मां से संबंधित हो। तो जो भी मनुष्य भैरव जी की विधि विधान से पूजन करके साधना करके उनको सिद्ध करना चाहता है, उनको अपना बनाना चाहता है, तो यह प्रक्रिया 19 जून से 9 दिन के लिए अजमेर में प्रारंभ की जा रही है। तो जो मनुष्य भैरव जी की साधना विधि विधान से करना चाहता हो, उनका पूजन देखना चाहता हो कि भैरव जी का पूजन कैसे होता है, भैरव जी का हवन कैसे होता है, भैरव जी किस चीज से प्रसन्न होते हैं और क्या करने से उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है, इस संबंध में पूरी जानकारी इस प्रशिक्षण के दौरान दी जाएगी। भैरव जी की साधना कैसे करें, हवन पूजन कैसे करें, यह इस संबंध में भी आपको किताब दी जाएगी। तो जो भी धर्म प्रेमी बंधु भैरव जी से प्रेम करता हो, चाहे वो काल भैरव हो, चाहे बटुक भैरव हो, चाहे स्वर्णाकर्षण भैरव हो, चाहे वो आकाश भैरव हो, चाहे वो पाताल भैरव हो, चाहे शमशानी भैरव हो, कपाल भैरव हो, क्रोध भैरव हो, तो उन इन भैरव के माध्यम से कैसे आप परोपकार कर सकते हो, भैरव जी का नाम लेकर के भैरव जी की सिद्धि प्राप्त करके भैरव जी की कृपा प्राप्त करके आप परोपकार के साथ साथ पुण्य भी कमा सकते हो। यह एक अच्छा आपकी आत्मा की उन्नति करने का तरीका भी हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता हो, आत्मा की विशेष तौर से आध्यात्मिक उन्नति चाहता हो, वह इस प्रशिक्षण में शामिल हो सकता है। केवल भैरव जी से संबंधित व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें 7987237885 और 7649862712, ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर पूरा अपना पूरा नाम पता देकर के और अधिक अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी प्रशिक्षण किसी भी गुरु से, शिक्षक से, मार्गदर्शन से, डायरेक्टर से लिया जाता है तो उन्हें उचित दक्षिणा भी देना होती है।
क्योंकि जब आप प्रशिक्षण के लिए आएंगे, सीखने के लिए आएंगे, तो आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी देवराधा ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। तो प्रशिक्षण देना प्लस आपके लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था करना, इस संबंध में भी जो उचित खर्च होगा वह आपसे अवश्य लिया जाएगा। हवन पूजन कैसे करें, उनका अभिषेक कैसे करें, उनका व्रत उपवास कैसे करना चाहिए, उनसे काम कैसे कराया जाता है, प्रेत कैसे पकड़वाते हैं, और आपको प्रेत पकड़ने की शक्ति कैसे मिलेगी, प्रेतों को कैसे हटाया जा सकता है, जिन जिन्नादों को कैसे हटाया जा सकता है, यह सब चीज इसमें अवश्य आएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।